आप लोग देखे होंगे कैसे जो है कैसे जो है ये डोली चाय वाला जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है आप लोग का विंडो 12 का, जो कि नहीं है, लेकिन मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यार कि अगर आप लोग देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, और अगर देखेंगे ये कंसर्न है यार, मतलब अगर कोई भी चाय वाला अगर इस तरह से फेमस हो जा रहा है, बिल गेट्स से मिल ले रहा है, तो ये है कंसर्न यार, मतलब समझो चीजें समझने वाली है। क्योंकि मतलब हम लोग जैसे इंजीनियर इंजीनियर है, तो एज ए इंजीनियर हम लोग क्या सपना रहता है कि बिल गेट से मिलेंगे, और भाई डॉली चावला इजीली मिले हैं, मतलब इवन डॉली चावला मतलब बिल गेट से नहीं मिलेगा बल्कि बिल गेट से डॉली चावला से मिले हैं। सही चैनल पर। चलो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ने से पहले और डॉली चावला का एक वीडियो देख लेते हैं, आप लोग भी देखिए मजा आएगा, देखते हैं। तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का डोली चाय वाला और मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हूँ कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है, क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ, लोगों को चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हैं, ये कोई छोटा और बड़ा काम होता नहीं, मेहनत करके आगे बढ़े हैं। कुछ ज्यादा छपरी चल रहा है, लेकिन इसके लिए मैंने ये वीडियो नहीं मतलब खोला है कि डोली चाय वाला, आप लोग यहाँ देख रहे होंगे डीबी में कौन है, बिल गेट्स है, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर। तो मतलब जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा ना विंडो 12 ब्रांड एम्बेसडर, अब जैसे गूगल करने का भी जरूरत नहीं पड़ा, यहाँ पर आप लोगों को शो कर रहा होगा ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडो 12, मतलब ब्रांड एम्बेसडर मतलब लोग गूगल के हिसाब से ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडो 12 जो है वो डॉली चाय वाला है। विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम माइक्रोसॉफ्ट विंडो 12 ब्रांड एम्बेसडर बिकम ट्रेंडिंग टॉपिक, ट्रेंडिंग टॉपिक है, नॉट अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडो 12। मतलब ये देखो, अब ये जो मार्केटिंग का कितना मतलब अच्छा फायदा उठाया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, कि माइक्रोसॉफ्ट खुद ही अपलोड कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट विंडो 12 ब्रांड एम्बेसडर डॉली चाय वाला। इसमें हम लोग आकर देखते हैं, तो जैसे आप लोग देखेंगे कि यहाँ जो है ये एक टॉपिक रेज किया गया है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट विंडो ब्रांड एम्बेसडर, जैसे आप लोग देखेंगे र्यूमर है, आज र्यूमर हैज बीन वाइडली शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया अबाउट द माइक्रोसॉफ्ट विंडो 12 ब्रांड एम्बेसडर, इवन सिंस इज द वीडियो अलोंग साइड विद द बिल गेट्स विंडो 12 इज मैन इन द ट्रांजिशन इन द रोल, मतलब वही ऑल अबाउट यही लिखा गया है कि मतलब ये एक र्यूमर फैला है कि ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडो 12 जो है वो डॉली चाय वाला है। अगर सही में डॉली चाय वाला विंडो 12 का ब्रांड एम्बेसडर बन गया तो सही कहेगा डॉली चाय वाला, मोदी है एजुकेशन सिस्टम डॉली चाय वाला भाई ये देखो डॉली चाय वाला। तो और भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे आर्टिकल वगैरह, तो हम लोग कहा है इस ये टॉपिक हम लोग रेज कहा किया है, तो मैं भी इस रिगार्डिंग एक आर्टिकल लिखने वाला हूँ, मोस्ट प्रोबेबली ये भी हो सकता है तो रैंक कर सकता है, तो मैं एक आर्टिकल लिखता हूँ मतलब ये सबको मिलाकर, और चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा और भी देख लेते हैं कौन कौन लिखा है इसके बारे में टाइम्स ऑफ इंडिया। आई होप कि कोई इस वीडियो पर कॉपीराइट वगैरह नहीं मारेगा, अगर आपको मारने का मन है तो पहले मेल कर दीजिएगा itstudib@gmail.com, मैं वीडियो रिमूव कर दूंगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग को मन है कॉपीराइट मारने का, क्योंकि मैं हो सकता है तो आपका आर्टिकल मैं अभी देख रहा हूँ इसमें शो भी करूंगा, अगर ऐसा है तो मैं वीडियो रिमूव कर दूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं, और यहाँ देखो गिग्स फॉर गिग्स मतलब कहीं भी पहुंच जा रहा है भाई, 10 घंटा पहले लिखा है आर्टिकल, कहीं पहुंच जा रहा है भाई, इसका कोई जॉनर ही नहीं है तभी पहुंच गया है। चलो कोई नहीं, हम लोग यहाँ से भी थोड़ा सा देख लेंगे और एक आर्टिकल हम लोग भी रेडी करके अपने itstudib.com जैसे कि आप लोग जान रहे होंगे वो अपलोड करते हैं, और देखते हैं कि हम लोग रैंक करवा पाते हैं कि नहीं करवा पाते हैं। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में होगा, या आप itstudib सर्च करेंगे सिंपल सर itstudib गूगल पर ये आर्टिकल सर्च कर लेंगे ब्रांड एम्बेसडर ऑफ विंडो 12 जो है, मैं यही इसका जो है टाइटल रखने वाला हूँ, तो आप लोग जाके ये सर्च करेंगे, आप लोग जरूर से जरूर अपना प्यार दिखाएंगे, और चलिए हम लोग देखते हैं क्या सब लिखा है ये सब। तो ऐसा करते हैं ना, हम लोग ये जो है वो ChatGPT से ही लिखवाते हैं, तो चलिए हम लोग ChatGPT पर ही आ जाते हैं और इसको कुछ प्रॉम्प्ट वगैरह देते हैं और अच्छा सा हम लोग आर्टिकल डिजाइन करते हैं। मैं इसको बिना वीडियो का भी बना सकता था, मगर मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ कि कैसे SEO काम करता है और कैसे आप लोग जो है मतलब सिंपल सा SEO का यूज करके कैसे लोग एक क्वेश्चन रेज किया उससे मतलब डॉली चाय वाला जो है एक ब्रांड एम्बेसडर टाइप बना दिया गया लोगों को, मतलब कैसे माइक्रोसॉफ्ट इसका फायदा उठा रहा है, मतलब फायदा क्या उठा रहा है, मतलब सिंपल सा उसको भी लगा र्यूमर फैल रहा है तो चलो हम भी लिख देते हैं कुछ, तो वही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इसको, कुछ प्रॉम्प्ट देते हैं, राइट
एन आर्टिकल ऑफ 100 वर्ड्स टॉपिक हम लोग थोड़ा सा इस सबका जो है आर्टिकल थोड़ा कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कहाँ तक लेना चाहिए हम लोग को। चलिए हम लोग यहाँ तक इसको कॉपी किया है और सिंपल से हम लोग यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। और जो वांटेड नहीं है मतलब तो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं। और इसके अलावा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, क्या है टाइम्स ऑफ इंडिया, टाइम्स ऑफ इंडिया का भी कुछ ये उठा लेते हैं, लाइन उठा लेते हैं। आई होप मतलब कोई कॉपीराइट नहीं मारेगा, अगर किसी को मन है तो जरूर से जरूर आप लोग मेल करेंगे, इस 2D में बार बार बोल रहा हूँ, इस 2D पर मेल करेंगे आप लोग, मैं वीडियो रिमूव कर दूंगा, आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, इसलिए आप लोग आई होप कि नहीं मारेंगे। तो और भी हम लोग देख लेते हैं, इसका भी थोड़ा सा देख लेते हैं जो मिला जुला के लिख देगा थोड़ा सा। ChatGPT ही तो है, ChatGPT भी इसी का है भाई, माइक्रोसॉफ्ट का ही तो है ChatGPT, सबसे ज्यादा तो इसी का मतलब यही सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है, मतलब क्या बोलते हैं इन्वेस्ट किया सबसे ज्यादा यही, मैं इसी की बिल गेट्स। तो चलिए हम लोग अब इसी से हम लोग आर्टिकल जनरेट करते हैं, क्या हम लोग का आर्टिकल आता है वही हम लोग पोस्ट करते रहेंगे, आप ही के सामने पोस्ट करेंगे। और आप लोग अपना प्यार दिखाइएगा और देखिए जैसा कि ये जो लिख रहा है हम लोग क्या लिखा, द क्यूरियस केस ऑफ द डेली चाय वाला डिबंकिंग द विंडोज ब्रांड एम्बेसडर 12 जो है वो है इन द सोशल मीडिया इज अ लाइट ऑन द क्लेम द रिमर ओरिजिन फ्रॉम द सेमी पोस्ट ऑफ द बिंदु टाइम्स एज द सोशल इंस्टाग्राम द पोस्ट ऑफ द डॉली चाय वाला मेड अ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ द दिस इज द ट्रू डिजायर द फेवर ऑन द रिमर माइक्रोसॉफ्ट हैज मेड द नो ऑफिशियल अनाउंस। चलो अच्छा लिख दिया है बढ़िया से, हु इज द डॉली चाय वाला इज नागपुर हैज द कंसीडर एज द फॉलोइंग सोशल मीडिया द पब्लिक रिएक्शन मतलब ठीक ठाक लिख दिया, ठीक है। और मैं थोड़ा सा इसका जो है FAQs भी जनरेट करवा लेता हूँ, जनरेट सम FAQs जो कि किसी भी आर्टिकल के लिए अच्छा चीज होता है, तो हम लोग जनरेट करवा लेते हैं। जैसे कि मतलब अगर आप लोग का जो भी क्वेश्चन हो रहा होगा तो आप इसका आंसर इजिली मिल जाएगा। व्हाट इज द रिमर, गिव मी द आंसर ऑफ होल क्वेश्चन, गिव मी द आंसर ऑफ होल क्वेश्चन। अला इस तरह बनता है भाई ब्रांड एम्बेसडर, इस तरह बनता है। देखो क्या तुम लोग चाय बेचना शुरू करो, क्या पढ़ाई लिखाई कर रहे हो, डॉली चाय वाला बनो, डॉली चाय वाला। क्या क्या चल रहा है मार्केट में भाई, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई भी कुछ भी बन जा रहा है कुछ भी। चलिए हम लोग यहाँ था अपना आर्टिकल वाला खोल लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं। अब सिंपल सा हम लोग टाइटल ये रख दे रहे होंगे जो ChatGPT ही हम लोग को दिया है, सिंपल सा ये टाइटल रख दे रहे होंगे, द क्यूरियस केस ऑफ डॉली चाय वाला डिबंकिंग द विंडोज 12 ब्रांड एम्बेसडर ह्यूमर, ये सिंपल सा आप लोग का रहेगा। आप लोग सिंपल सा ये सर्च करके यहाँ आ सकते हैं, मेरे इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और देख सकते हैं कि अभी तक विंडोज चाय वाला जो है वो फेमस हुआ है कि नहीं। सॉरी पूरा नहीं करना था, हम लोग सिंपल सा इसको करेंगे इस पार्ट को। एक तरह से मैं आप लोग को ये भी सिखा रहा हूँ कि कैसे आर्टिकल लिखना चाहिए, है कि नहीं। तो आई होप कि आप लोग ये आर्टिकल लिखना भी सीख रहे होंगे, ये वर्डप्रेस पर मैं लिख रहा हूँ आर्टिकल, तो आप लोग इस पर ध्यान दे सकते हैं। Ctrl Z मैं इसको बोल्ड ही कर देता हूँ, ठीक है। इसको भी द ट्रूथ को भी बोल्ड कर देता हूँ, ये अच्छा लिखा है। तो मतलब व्हिच डॉली चाय वाला इज गुड, द पब्लिक रिएक्शन, द पब्लिक रिएक्शन में क्या लिखा, द पब्लिक रिस्पॉन्स पॉइंट ऑफ द डॉली चाय वाला एज द ब्रांड इमेज टू फॉर द विंडो 12 वाज द कॉकटेल ऑफ दिस बिलीव अजम्पशन एंड मतलब पूरा भाई पब्लिक घबरा गई भाई कि कैसे, ठीक है मतलब चाय पीना अलग चीज होता है और मतलब ब्रांड एम्बेसडर बन जाना इज मतलब बहुत आर डिफरेंट थिंग्स, मतलब समझ में आ रहा है। तो हम लोग थोड़ा सा इसको अब ठीक है, तो आर्टिकल इसका भी लिंक अगर डिस्क्रिप्शन में होगा तो इसका हो सकता है डिस्क्रिप्शन में ही मैं लिंक डाल दूंगा। और भी कुछ है तो मैं हाईलाइट कर सकता हूँ इसमें,
ये वेट अ सेकेंड जो है ये नागपुर का है, तो मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि वाला सिंपल सा आप ये कर सकते हैं। और मैं सोच रहा हूँ कि एक फोटो भी ऐड कर दूँ बिल गेट्स के साथ, क्या कहते हो? ऐड कर देना चाहिए, या हम लोग एक फोटो ये बना लेंगे सिंपल सा और ये हम लोग फोटो ऐड कर देंगे। रिगार्डिंग द फेस ऑफ द विंडो 12, देखो ये माइक्रोसॉफ्ट खुद बोला है कि मतलब कोई किसी भी तरह का उसको ब्रांड एम्बेसडर घोषित नहीं किया गया है, ठीक है, जैसा कि आप लोग इस लाइन में देख रहे होंगे। और चलिए तो हम लोग का जो है आर्टिकल लगभग तैयार हो चुका है, और इन डॉली चावल हम लोग सोच रहे हैं कि इंस्टाग्राम इसका दे ही दे भाई, इसको भी चलो थोड़ा सा मिल जाना चाहिए इसका है, तो डॉली चावल या हम लोग थोड़ा सा इसको क्रेडिट भी देते हैं, तो ये सुना हो भाई को, सुनने में भाई रोस्ट भी बहुत तगड़ा करने लगा है आजकल। तो चले हम लोग का ये हो गया है, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा माइक्रोसॉफ्ट का जो है वो ये कर देते हैं, और हम लोग जिसे भी थोड़ा सा कॉपी किए हैं उसको क्रेडिट भी दे देते हैं, उनको भी कुछ इशू नहीं होगा, आप लोग वहाँ भी जाके विजिट कर सकते हैं। और हम लोग का पर्पस क्या है, हम लोग का पर्पस तो यही है कि हम लोग का जो है विंडो 12 ब्रांड एम्बेसडर सर्च करे तो लोग हम लोग का वो ये है ऊपर आना चाहिए, सिंपल सिंपल हम लोग का ये नहीं है, तो हम लोग क्रेडिट भी देते हैं सिंपल सा। क्रेडिट हम लोग देते हैं, हम लोग कोई सर नहीं है भाई क्रेडिट देने में, चलो सिंपल सा हम लोग क्रेडिट भी देते हैं सिंपल सा, क्रेडिट इसको दे दिए हैं हम लोग, टाइम्स ऑफ इंडिया भी लिए थे तो टाइम्स ऑफ इंडिया को भी दे दिए, और सिंपल सा कन्वर्ट टू इनटू, मैं आप लोगों को आर्टिकल लिखना भी सिखा रहा हूँ अगर आप लोग समझ रहे हैं तो। और हम लोग यहाँ से भी थोड़ा सा देखे थे तो ये भी हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड कर सकते हैं, आप यहाँ भी विजिट कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग ये भी कर दिए सिंपल सा, और हम लोग को थोड़ा सा ये हाईलाइट कर देना चाहिए एज अ आर्टिकल। और ये वीडियो का 1.5x या 2x पर ही देखिएगा, मतलब थोड़ा सा स्लो टाइप हो जाएगा वीडियो, मतलब बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसमें आपको लिखना बता रहा हूँ, ये भी मैं आप लोगों को सिखा ही रहा हूँ कि अगर आप फ्यूचर में कभी आर्टिकल वगैरह लिखते हैं, अगर लिखिएगा ही कहीं ना कहीं लिखिएगा ही, क्योंकि मतलब अब अगर आपके पास है नॉलेज है तो आप जरूर से जरूर लोगों को सिखाइएगा, क्योंकि बांटने से बढ़ता है, मुझे भी थोड़ा सा ही नॉलेज है तो मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ चीज़ें। और हम लोग जो है थोड़ा सा डॉली चाय वाला का पब्लिक इमेज ही है, तो हम लोग पब्लिक इमेज ही ये करेंगे, तो हम लोग देख लेते हैं गूगल पर है इमेज, तो हम लोग उसी इमेज को कॉपी कर रहे हैं हम लोग सिंपल से, तो हम लोग का ये इमेज मिला है। कॉपी दिस इमेज, कोई दिक्कत नहीं ना आएगा भाई, छोड़ो हम लोग खुद बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग खुद बना लेते हैं, क्या करते हो, बना लेते हैं इसको। चलो तो हम लोग यही है हम लोग का रहेगा, तो और हम लोग यहाँ URL वगैरह भी देख लेते हैं इसका, तो चलो इसका थोड़ा सा हम लोग चेंज कर देते हैं परमालिंक, और द ब्रांड एम्बेसडर ये हो गया हम लोग का ये, और आप लोग का मैं थोड़ा सा यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन वगैरह जो है यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ कि डिस्क्रिप्शन भी इसका ऐड हो जाएगा, ठीक है, ओके ऑल सेट, बहुत हो गया ये, तो मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ सिंपल सा कंट्रोल जेड। चलिए तो हम लोग का यहाँ तक ये आर्टिकल कंप्लीट है, तो हम लोग का कैसा दिख रहा है आर्टिकल, ये है, ये कुछ है, ये हम लोग का फॉर्मा लिंक हो गया, वेट अ सेकेंड, हम लोग अपना फॉर्मा लिंक भी बना लिए हैं,
हम लोग का परमा लिंक भी हो गया, इस तरह का हम लोग का आर्टिकल दिख रहा होगा। हम लोग एक इमेज जनरेट करके इसको अपलोड करते हैं, और आप लोग जरूर से जरूर ये टॉपिक जो है वो सर्च करेंगे, और मैं 2D भी लगा देता हूँ, आप अगर नहीं आ रहा है तो एक बार 2D भी लिख कर सर्च कर लेंगे, जिससे कि ये जो है रैंक करेगा। और मैं मतलब आप लोग ये भी देखेंगे, मतलब इसी तरह काम करता है, मतलब सारा आर्टिकल जो बड़े बड़े वेबसाइट है वो जल्दी रैंक कर जाते हैं थोड़ा सा, क्योंकि मतलब SEO इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ मतलब ये रैंकिंग, लेकिन जो थोड़ा बड़ा वेबसाइट है जहाँ पहले से ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है तो वो मतलब वहाँ तो इजीली है, उनके पास ट्रैफिक है तो लोग विजिट करेंगे तो गूगल को लगेगा ये अच्छा वेबसाइट है, उसलिए उसको ऊपर पुश करेंगे, और जो नया वेबसाइट है गूगल को पता नहीं है उसके बारे में, मतलब हम लोग इंडेक्स करवाते हैं सर्च कंसोल से, तो वो गूगल ऑथेंटिक इसको मानता है, जहां विजिटर ज्यादा है तो उसको ऑथेंटिक मानता है, और विजिटर किसी ज्यादा है किसी के पास मतलब पहले से यूजर है तो वो ऑथेंटिक बन जाता है पहले ही, और उसके पास और अच्छा इंफॉर्मेशन है तो वो इजीली और ज्यादा ऑथेंटिक बन जाता है। मैंने बहुत तेजी में इसको बोल दिया है, 2x में आप लोग देखे होंगे तो इसको बहुत कम ही समझ में आया होगा, इसलिए इसका स्पीड 0 कर देंगे। चलिए हम लोग इसमें एक इमेज ऐड कर देंगे और इसको हम लोग पब्लिश कर देंगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, आप लोग देखे होंगे कैसे ये डॉली चाय वाला जो है ये ब्रांड एम्बेसडर बन जाता है आप लोग का विंडो 12 का, जो कि नहीं है, लेकिन मतलब ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है यार, कि अगर आप लोग देखेंगे कि हम लोग थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेते हैं हम लोग, और अगर देखेंगे ये कंसर्न है यार, मतलब अगर कोई भी चाय वाला अगर इस तरह से फेमस हो जा रहा है, बिल गेट्स से मिल ले रहा है, तो ये है कंसर्न यार, मतलब समझो चीजें समझने वाली है, क्योंकि मतलब हम लोग जैसे इंजीनियर है तो एज ए इंजीनियर हम लोग क्या सपना रहता है कि बिल गेट्स से मिलेंगे, और भाई डॉली चाय वाला इजिली मिल गया, मतलब इवन डॉली चाय वाला मतलब बिल गेट्स से नहीं मिलने गया बल्कि बिल गेट्स ही डॉली चाय वाला से मिलने आया, भले ही ये एक किसी भी अगर तुम कह सकते हो कि ये एक तरह का मीम है, लेकिन मतलब देखो मीम बन के भी इतना मतलब दुनिया का सबसे अमीर आदमी से भी मिल जाता है, मतलब है इसके एक टाइम पर ये भी था दुनिया का सबसे अमीर आदमी, लेकिन इनका भी टॉप 5 में नाम आता ही आता है, तो मतलब भाई कैसे सोशल मीडिया का जमाना है यार, मतलब कोई भी फेमस हो जा रहा है, कोई भी किसी से भी मिल ले रहा है, और पढ़ाई लिखाई का तो मतलब महत्व ही खत्म हो जाता है मतलब यहाँ पर, लेकिन आप लोग पढ़ना नहीं छोड़ेंगे, और मतलब भाई मैं बहुत सारा इंस्टाग्राम पर मीम देखा है इससे रिलेटेड कि ले मुंह दिया तेरे एजुकेशन सिस्टम पर, मतलब हमको भी तो ऐसा ही लग रहा है, मतलब बहुत सारा मीम बना है, तो लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करते रहेंगे, तो चलिए आप भी अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में जरूर छोड़ के जाएं, और आप लोग क्या सोचते हैं डॉली चाय वाला के बारे में, और क्या सोचते हैं कि आप लोगों को लगता है कि ब्रांड एम्बेसडर फ्यूचर में माइक्रोसॉफ्ट जो है मतलब बिल गेट्स जो है इसको बना सकता है विंडो 12 का, क्योंकि विंडो 11 ही लॉन्च हुआ है अभी तक, तो हो सकता है विंडो 12 लॉन्च होने ही वाला होगा, तो क्या आपको लगता है कि विंडो 12 का जो है डॉली चाय वाला ब्रांड एम्बेसडर बनेगा? अभी तो नहीं है फिलहाल, रूमर है, माइक्रोसॉफ्ट भी अपने वेबसाइट पर लिखा हुआ था कि इट्स अ रूमर, लेकिन हो सकता है बना भी दे क्योंकि पॉपुलैरिटी ज्यादा बढ़ गया है इसका, मतलब भाई तरह तरह का साइडी मार रहा है कि ये वो दिस डेट, और ठीक है सबका अपना अपना मेहनत है, पढ़ते रहिए, और क्या है और क्या, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, और चलिए। तो ये आपके बेटे ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, अब अच्छा लग रहा है, प्यारी माँ बहुत खुश है आज कि उनके बेटे ने नाम रोशन कर दिया, पूरे पूरे नागपुर का नाम डोली भाई के नाम से रोशन हो गया, पूरे नागपुर में कहीं खड़े हो जाओ किसी मोड़ पे खड़े हो जाओ, खाली मैंने 10 किलोमीटर दूर, भाई डोली भाई का घर कहाँ पे, भाई ऐसे जाओ ऐसे जाओ ऐसे जाओ, 10 किलोमीटर दूर से लोग बताने लग गए, यहाँ तक आ जाते हैं। तो भाई जैसे ही इस माँ को खुशी हो रही है ना, तो आपने भी अपनी माँ के चेहरे पे ऐसे खुशी लेकर आनी है, ऐसे माँ आपको गले लगाए कसके पकड़ के कि मेरा बेटा यहाँ तक पहुँच गया, तो माँ की खुशी के लिए पिता की खुशी के लिए ये कर दिखाना यार।